नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 8 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है प्रमेय संख्या। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, मतलब यहाँ पर जो सारणी दिया गया है और उनमें जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो ये जो है संख्या है और नीचे में जो है इन संख्याओं का जो है गुणन प्रतिलोम लिखना होगा। देखिए गुणन प्रतिलोम क्या होता है कि जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो है अगर इसका गुणनफल 1 आ जाता है तब हम लोग कहते हैं कि वो दोनों संख्याएं जो है एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम है। तो अगर हम बात करें इस संख्या का -13 का, तो -13 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो 1/-13 होगा, जैसे कि इसमें दिया भी है। तो 1/-13 होगा और ये देखिए ये -13 और ये -13 कट जाएगा तो कितना रहेगा, तो +1 रहेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर 1/-13 लिखा गया है। इसके बाद जो है इस संख्या को देखिए 5/4 को, इसको जो है किससे गुना करें कि इसका वैल्यू जो है 1 आ जाए, तो इसको जो है गुना करेंगे 4/5 से, इसी के उल्टा से। तो ये जो है 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर जो है ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 × 1 1/1, मतलब 1। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान में क्या भरेंगे 5/4 के लिए, तो 4/5। और इसको आगे देखिए अगला संख्या क्या है कि 4/-7 है, क्या है 4/-7, इसका जो है गुणन प्रतिलोम लिखना है। तो इसमें जो है किससे गुना करें कि इसका वैल्यू 1 आ जाए, तो इसमें जो है गुना करेंगे इसी के उल्टा -7/4 से, ये -7 से -7 कट जाएगा और ये जो है +4 से 4 कट जाएगा, तो 1/1, इधर भी 1/1, यहाँ देखिए एक गुने एक कितना होगा, तो 1/1, ये भी जो है एक ही है तो 1 क्या होगा, 1/1, 1। तो 4/-7 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो -7/4। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है क्या है, तो -5/-8 क्या है, -5/-8 अगला संख्या। इसमें जो है पहले देखिए क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जो आएगा 5/8, और इसको जो है किससे गुना करेंगे कि इसका वैल्यू जो है क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसमें जो है गुना करेंगे 8/5 से, तो इसका वैल्यू आएगा है देखिए कट के आएगा 1/1, मतलब 1। तो इसीलिए जो है इस संख्या का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो 8/5 होगा। अब आगे देखिए -1 का जो है गुणन प्रतिलोम लिखना है, तो -1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो होगा 1/-1, क्या होगा 1/-1, और ये -1 से -1 जब कट जाएगा तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो -1 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो 1/-1 होगा, क्या होगा 1/-1 होगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, तो 1/-1 = -1।